प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में आपका बच्चा स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, आपके बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर आपका बच्चा बीमार है, या फिर आपका बच्चा खतरे में है, तो आप ये कैसे पता लगा सकते हैं? सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लक्षण के बारे में बताऊंगी, कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है, आपका बच्चा गर्भ में हेल्दी नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है आपके बच्चे की दिल की धड़कन, यानी कि बच्चे का FHR। अगर आपके बच्चे का FHR कम है या फिर ज़्यादा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपका बच्चा गर्भ में हेल्दी नहीं है। नॉर्मली बच्चे की दिल की धड़कन 6 वीक में आ जाती है, और अगर आप 6 या 7 वीक में अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो आपको उस समय आपके बच्चे का FHR 90 से लेकर 110 BPM देखने को मिल सकता है, यानी कि बीट्स पर मिनट देखने को मिल सकता है। अगर आप अपना पहला अल्ट्रासाउंड 9वें वीक से लेकर 12वें वीक के बीच में करवा रहे हैं, तो इस समय आपके बच्चे का FHR थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो कि 140 से लेकर 170, 180 तक हो सकता है। और थोड़ा बहुत कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली इस समय बच्चे का FHR थोड़ा ज़्यादा ही होता है। अगर बहुत कम है तो फिर आपको डॉक्टर कुछ ना कुछ बताएंगे कि क्या करना चाहिए। और बात करें सेकेंड ट्रेमेस्टर के बारे में, तो इस समय नॉर्मली बच्चे का FHR 110 से लेकर 160 के बीच में रहता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इतना ही रहता है। थर्ड ट्रेमेस्टर की बात करें, यानी कि 7 से लेकर 9 महीने की बात करें, तो इस समय भी बच्चे का FHR 110 से लेकर 160 के बीच में रहता है। तो अगर आपके बच्चे का FHR इतना है, तो आप ये मान के चलिए कि ठीक है। और वैसे भी जब आप डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं, तो उस समय भी डॉक्टर आपके बच्चे की दिल की धड़कन को सुनते हैं और वो आपको बता देते हैं कि हाँ कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। दूसरा होता है बच्चे का वजन ना बढ़ना या फिर कम बढ़ना, या फिर आपके बच्चे का विकास ठीक से ना होना, या फिर विकास रुक जाना। तो ये भी आपको बहुत आसानी से अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चल जाता है। तो आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जो भी अल्ट्रासाउंड है उसे जरूर कराइए, ताकि आपको आपके बच्चे के विकास के बारे में पता चल सके। माँ की देखिए, अगर आपके बच्चे का वजन कम है, आपके बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए, अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपको टेंशन भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप टेंशन लेते हैं तो ऐसे में भी जरूरी पोषक तत्व आपके बच्चे को नहीं मिल पाते हैं, आपका बच्चा भी तनाव में चला जाता है और आपके बच्चे के विकास पे असर पड़ता है। इसके अलावा देखिए, अगर आप गलत तरीके से लेटते हैं, बैठते हैं, या फिर आप गलत तरीके से सोते हो, तो ऐसे में भी कई बार आपके बच्चे के विकास पे असर पड़ जाता है। तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होगा। बाकी अगर आपके बच्चे का वजन कम है, उसका विकास ठीक से नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत सचेत हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान हर महीने महिला का पेट बढ़ता है, तो प्रेगनेंसी के 3 महीने तक तो ज़्यादा पेट नहीं बढ़ता, लेकिन प्रेगनेंसी के 3 महीने के बाद से हर एक महिला का पेट थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, और 9 महीने तक पेट काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके पेट का आकार ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए, क्योंकि ये हेल्दी प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा गर्भ में हेल्दी नहीं है। तो आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए और अपने पेट को नपाइए कि आपके पेट का आकार ठीक है या फिर नहीं है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कुछ महिलाओं का पेट कुछ ज्यादा बढ़ता है, कुछ महिलाओं का कम बढ़ता है, क्योंकि आपकी लंबाई पर डिपेंड करता है, आपकी हाइट पर डिपेंड करता है, आपके साइज पर डिपेंड करता है, और भी चीजों पर डिपेंड करता है। तो वो आप अपने आप पता नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए आपको डॉक्टर से बात करनी होगी। तो अपने पेट का भी ध्यान रखिए कि उसका साइज़ कितना बढ़ रहा है। इसके अलावा देखिए, नॉर्मली हर एक महीने महिला का वज़न बढ़ता है, और पूरी प्रेगनेंसी में 10 से 15 किलो 16 किलो तक महिला का वज़न बढ़ जाता है। अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो 18 किलो तक वज़न भी बढ़ सकता है। लेकिन मान लीजिए कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी आपके अनहेल्दी प्रेगनेंसी का ही लक्षण है। बाकी हो सकता है कि किसी और कारण से आपका वज़न ना बढ़ रहा हो, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात करें और देखें कि आपका वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा है, आपके खाने पीने में क्या कमी है, या फिर आपके शरीर में ऐसी कौन से जरूरी पोषक तत्व की कमी है जिसकी वजह से कि आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है। अगर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी आपके ब्रेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान सभी महिलाओं के ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है, ब्रेस्ट में कोई ना कोई परिवर्तन होता है। अगर आपको कुछ भी परिवर्तन नज़र नहीं आता है, जैसे कि नॉर्मली कई बार आपके स्तनों में खुजली हो जाती है, स्तनों से डिस्चार्ज होने लग जाता है, नॉर्मली लास्ट के महीने में आपके निप्पल से डिस्चार्ज होता है, मतलब कि बेबी को दूध पिलाना होता है, तो इस वजह से डिस्चार्ज होने लग जाता है। और इसके अलावा कई बार हल्का फुल्का दर्द भी हो जाता है, यानी कि सेंसिटिव हो जाता है, और साइज़ तो बढ़ता ही है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसे में डॉक्टर से बात करना चाहिए। हो सकता है कि आपके समझ में नहीं आ पा रहा हो कि कोई बदलाव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, डॉक्टर से दिखा लेंगे तो आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ जी सब कुछ ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, नॉर्मली आपको पता ही होगा कि बच्चे गर्भ में हलचल करते हैं।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा घर में हलचल नहीं कर रहा है, या फिर एकदम से बहुत कम करना स्टार्ट कर दिया है, या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा हलचल करना स्टार्ट कर दिया है, तो एक ये भी खतरे का संकेत हो सकता है। इसके अलावा नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा 20वें सप्ताह से लेकर 24वें सप्ताह के बीच में हलचल करना स्टार्ट कर देता है। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के 4थे महीने से बच्चे की हलचल महसूस होती है, कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के 5वें महीने में बच्चे की हलचल महसूस होती है, बहुत कम होती है, लेकिन 6ठे महीने से आप अपने बच्चे की हलचल बहुत ही अच्छे से महसूस कर सकती हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी का 5वां महीना भी निकल चुका है और आपको लगता है कि आपका बच्चा बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में बच्चा बहुत ही ज़्यादा हलचल करता है और आप बहुत ही अच्छे से समझ सकती हैं, और नॉर्मली बच्चे 2 घंटे में 10 से 12 बार हलचल करते हैं। और देखिए, नॉर्मली प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में 8वें और 9वें महीने में बच्चा थोड़ा हलचल करना कम कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि इस समय जो है ना, बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है, आपके घरवासे में इतना जगह नहीं होता कि बच्चा को ज़्यादा ही घूम सके, इसीलिए आपको आपके बच्चे की हलचल थोड़ी सी कम महसूस हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको आपके बच्चे की हलचल महसूस नहीं होगी। 2 घंटे में 10 से 12 बार तो आपको हलचल महसूस होगी। इससे कम हो रहा है या फिर बिल्कुल नहीं हो रहा है, या फिर 24 घंटे हो चुके हैं और आपको आपके बच्चे की हलचल बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई है, तो आपको ऐसे में तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बिल्कुल भी घर पर नहीं रुकना चाहिए। इसके अलावा एक संकेत होता है भूख ना लगना। नॉर्मली प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में अगर आपको भूख नहीं लगती है तो ये नॉर्मल है, बहुत सारे महिलाओं के साथ हो जाता है। स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा हार्मोन चेंजेस होते हैं, बॉडी बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, तो हो सकता है कि भूख ना लगे, तो कोई बात नहीं। लेकिन 4थे महीने से भी अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं तो आपके बच्चे का विकास कैसे होगा। और नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान आपका शरीर बहुत ज़्यादा काम करता है, तो आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और आप प्रेगनेंसी के दौरान जो भी खाते हैं वो आपके बच्चे को प्लेसेंटा के माध्यम से मिल जाता है, तो नॉर्मल सी बात है कि आपको तो भूख लगेगी ही। लेकिन अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आप ये मान के चलो कि आपकी प्रेगनेंसी में या फिर आपके बॉडी में कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो गई है, इसीलिए आपको भूख नहीं लग रही है, तो आपको ऐसे में अनदेखा नहीं करना है, डॉक्टर से बात करनी है। क्योंकि अगर आपको भूख नहीं लगेगी, आप खाओगे नहीं, तो नॉर्मल सी बात है कि आपके बच्चे का विकास कैसे होगा। इसलिए भूख ना लगने पे डॉक्टर से बात जरूर करें और जो भी प्रॉब्लम है अपने डॉक्टर को बताएं। बाकी देखिए, आपका बच्चा घर में कितना हेल्दी रहेगा, आपकी प्रेगनेंसी कितनी हेल्दी रहेगी, ये माँ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर माँ बिल्कुल हेल्दी है तो नॉर्मल सी बात है कि बच्चा भी हेल्दी रहेगा। अगर मान लीजिए कि आपकी उम्र को ज़्यादा ही हो गई है या फिर आपकी उम्र बहुत कम है, तो ऐसे में भी कई बार आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं रहती है, आपका बच्चा हेल्दी नहीं रह पाता है। दूसरा क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई और भी बीमारी है, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना हेल्दी रहेगा। प्रेगनेंसी में अपने बच्चे को हेल्दी रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप खुद को हेल्दी नहीं रख पाएंगे तो आप ये मान के चलो कि आपका बच्चा भी हेल्दी नहीं रहेगा। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो डॉक्टर से बात कीजिए। और अल्ट्रासाउंड आपको 3 करवाने होते हैं, 1st ट्राइमेस्टर में, 2nd ट्राइमेस्टर में और 3rd ट्राइमेस्टर में, तो 3ों अल्ट्रासाउंड करवाइए, ताकि आपको आपके बच्चे के विकास के बारे में, स्थिति के बारे में, जो भी चीज़ें हैं सबके बारे में पता चल सके। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।